दोस्तों बीते दिनों राजस्थान के जोधपुर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी। वीडियो में देखा गया था कि एक युवक पुलिस अधिकारी को चालान के एवज में भुगत लेने की धमकी देता है। दरअसल वो वीडियो पुलिस अधिकारियों की तरफ से ही बनाई गई थी ताकि आमजन को जागरूक कराया जा सके। लेकिन आज हम आपको पुलिस अधिकारी की नहीं बल्कि कलेक्टर साहब की एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जिसकी सोशल मीडिया पर खूब जमकर सराहना हो रही है। दरअसल कानून व्यवस्था का जायजा लेने कलेक्टर साहब को निकलना था, पुलिस हर नाके पर मुस्तैद थी। पुलिस कर्मियों को ये उम्मीद थी कि कलेक्टर साहब अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर गनर के साथ आएंगे, लेकिन उस बीच महिला पुलिसकर्मी को साइकिल पर सवार मास्क पहना एक व्यक्ति आता दिखाई दिया और महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोका। महिला पुलिसकर्मी ने सवाल किया कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो? हालांकि जब महिला पुलिसकर्मी निर्मला को ये पता चला कि साइकिल पर सवार कोई आम आदमी नहीं बल्कि राजस्थान में स्थित भीलवाड़ा के कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते हैं, तो महिला पुलिसकर्मी एक बार को तो हक्की बक्की रह गई। हालांकि कलेक्टर साहब की तरफ से उस महिला पुलिसकर्मी को उसके काम के लिए सराहना मिली। इसके बाद कलेक्टर शिव प्रसाद भीलवाड़ा के और भी चेकिंग पॉइंट्स पर जायजा लेने पहुंचे और सभी पुलिसकर्मियों को ये निर्देश दिए कि आमजन से अच्छा व्यवहार करें और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए लोगों को लगातार जागरूक करते रहे। आपका क्या हुआ आज कलेक्टर साहब निरीक्षण के दौरान क्या रहा? कलेक्टर साहब साइकिल पे आ रहे थे, हमने उनको टोका टाके की भाई आप कहाँ जा रहे हो, उन्होंने बताया कि वो कुछ बोले ही नहीं। फिर हमने दोबारा पूछा भी कहाँ जा रहे हो आप बोल क्यों नहीं रहे, कुछ बता क्यों नहीं रहे। तो पीछे से पुलिस वाले जवान थे, उन्होंने कहा कि ये कलेक्टर साहब है, तब हमें पता चला कि ये कलेक्टर साहब है। तब उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ही टोका टाके करो, किसी को बेवजह परेशान मत करो और जो आने जाने वाले हैं उनको टोका टाके ऐसे ही करते रहो, अच्छी नौकरी करो। दोस्तों आपको बता दें कि ये वायरल होती वीडियो कलेक्टर साहब की बीते मंगलवार की बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।